नमस्कार, एमकेएन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्राची मेहरा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है, वहीं अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों की इन्हीं झलकियों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिन्हें एमकेएन संवाददाताओं ने अपने कैमरे में कैद किया है, और जानेंगे क्या खास तैयारियां हैं स्वतंत्रता दिवस की। जहां पहली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज मोतीलाल स्टेडियम के लाल परेड मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई। हालांकि इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना का साया रहेगा। 15 अगस्त के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में छात्रों की एंट्री इस बार नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियों का दौर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के पहले फाइनल ड्रेस रिहर्सल फिलहाल चल रही है, जिसके चलते हम आपको बता दें एमकेएन संवाददाताओं ने इन रिहर्सल के कुछ झलकियों को अपने कैमरे में कैद किया है, जिन्हें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिहर्सल हो रही है और अब तमाम रिहर्सल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये दल सजे-धजे पोशाकों में आकर्षक रूप से यहाँ पर वर्कफोर्स बालाघाट में पदस्थ हैं। आप दुर्गम सेवा पदक वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चेतन सिंह जुड़े हुए हैं इंदौर से। चेतन, आपसे जानना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर में झंडा वंदन वो करने वाले हैं, किस तरीके से माहौल बना हुआ है, किस तरीके से पूरी तैयारियां वहां पर की जा रही है? बता दूं, जिस तरीके से लगातार यहाँ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, रोज परेड के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर रिहर्सल भी चालू है। और मैं बता दूं जिस तरीके से गृह मंत्री जो प्रदेश के हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनमें पहले ही यहाँ पर आदेश आ चुका है प्रशासन को कि वह यहाँ ध्वजारोहण करेंगे, जिसके चलते यहाँ जोरों से तैयारियां चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार छात्र और छात्राओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 है उसका प्रकोप कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोविड-19 का जो पालन है वो सख्त करवाने के जो निर्देश वो भी दे दिए गए हैं। तो इसको देखते हुए अगर अब की बार बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फीका स्वतंत्रता दिवस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो छात्र छात्रा है वह यहाँ पर नहीं आएंगे। जी चेतन, इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान भी तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए, वहीं क्या खास इंतजाम कोरोना महामारी या संक्रमण को देखते हुए यहां पर रखे गए हैं? जी प्राची, बता दूं कि कोविड-19 का जो पालन है वो तो सख्त तरीके से यहाँ करवाया जाएगा। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको भी देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि जो पुलिस ग्राउंड है उसके आसपास जो लोग रहेंगे उनको दूर वहां से कर दिया जाएगा, और काफी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां ध्वजारोहण होगा। जो परेड भी होगी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कराई जाएगी। तो यह भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, वो किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ प्रदेश के जो गृह मंत्री है वह ध्वजारोहण करने आ रहे हैं, तो यह भी सबसे बड़ी बात होगी कि पहली बार कोई गृह मंत्री प्रदेश का वो इंदौर में ध्वजारोहण कर रहा है। जी चेतन जी, वहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं आपको बता दें लगातार रिहर्सल का दौर यहाँ पर जारी है।